मनरेगा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के अलावा योजना के अभिसरण से संबंधित बाहर से जनपद में आए विभिन्न विषय विशेषज्ञों, जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, अपर अभियंता, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा सहित अन्य प्रतिभागी मौजूद थे। कार्यशाला में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा कार्यशाला के आयोजन एवं उद्देश्य के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का यदि निष्ठा एवं ईमानदारी से एक मिशन की तरह कार्यों को किया जाए तो जनपद को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसी क्रम में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं का मॉडल प्राकलन एवं दिशा निर्देश भी जारी किए गए तथा समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण करने हेतु कहा गया। कार्यशाला में बाहर से पधारे विषय विशेषज्ञों द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा पीपीटी वीडियोस एवं वर्चुअल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा वर्मी कंपोस्ट, नाडेब कंपोस्ट के बारे में अवगत कराया गया कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है जिससे कृषि की लागत कम होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा वास्तविक रूप से कैसे अपनी आजीविका को बढ़ाया जाए एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सशक्त एवं क्रियाशील बनाए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। स्कूल, आंगनबाड़ी, खेल मैदान एवं जल निकासी के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया गया कि यदि इस हेतु निर्धारित 19 पैरामीटर्स पर कार्रवाई पूर्ण की जाए तो इससे स्कूल का कायाकल्प तो होगा, साथ ही बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा होगी एवं स्वस्थ समाज का विकास होगा। तालाबों के शुद्धिकरण एवं चेक डैम जल संग्रहण की महत्ता पर प्रकाश डाला गया एवं अवगत कराया गया कि पानी को संग्रहित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, छोटा सा निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि कुछ लिटरेचर अगर इनको उपलब्ध हो जाएगा तो इनके लिए मील का पत्थर होगा और उसको पढ़ के ऐसा काम है जो हर विभागों को हेल्प करती है, सहयोग करती है और सभी विभागों में शुरुआत करने के लिए यह पूरी कार्यशाला पूरे तंत्र को बुलाया है कि वो सब समझ सके। हमारे सीडियो साहब ने कहा है कि आप कुछ क्षणों के लिए आपके साथ दो काम नहीं हो सकता, सीखना समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरलता और सहजता के प्रतिमूल हमारे बीच में मृदुभाषी और एकदम सहज जो पूरी विकास हमारे बीच में जितने भी मास्टर ट्रेनर आए हुए हैं, आप सोचिए कि केरला से हमारे बीच में श्री सुरेश, हमारे पास जो भी वेस्ट उत्पन्न होते हैं वो कैसे हमारे पास होते हैं, लोगों के माइंड में कैसे आते हैं, अभी हमारे पास हमने वेस्ट कहीं से कोई और ले आकर उनके पास दिया नहीं। वेस्ट जो हम बोलते हैं मेरे घर पे कैसे आया वो मैंने लाया, मैंने दुकान से जो लेके आया वो मैंने उपयोग कर दिया, कुछ चीज उपयोग कर दिया, कुछ उपयोग नहीं किया, जो उपयोग नहीं किया वो मैं बाहर फेंक देते हैं, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोच रहे यदि हमारे घर पे जो भी चीज मैं लेके आ रहा हूँ वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, घर के अंदर जो भी चीज मैं लेके आ रहा हूँ वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही है ना, सिर्फ मैं है उसका रिस्पॉन्सिबल, उसे निंटारण करना किसका रिस्पॉन्सिबल है, मेरा है। लोगों का माइंड में क्या है, ये नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, लोगों का माइंड में यही है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चेंज करना है। जो कुछ मेरे बाहर से जो कुछ मैंने लेके आया मेरे अंदर घर के अंदर आ गया, ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबल है, ईजी है, ये बिहेवियर चेंज लेके आया तो वो ईजी है, तो लोगों के पास ये लेके जाना है। थोड़ा क्या क्या है वेस्ट, क्या टाइप का होता है, कैसे हम इसे हैंडल करना है वो जो रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करने वाला वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक गाने वाला थोड़ा इन ऑर्गेनिक
रिसाइकल कर सकते हैं और लैंडफिल सेंट्रल लैंडफिल में ले जा सकते हैं। वो 58% सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक गलने वाला, उसे हमने हैंडल कर दिया तो मैक्सिमम हैंडल हो जाएगा। उसके बाद है हजार्डस वेस्ट है जो नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसाइकल पर वेस्ट है 16%, टोटल वेस्ट है 76 grams पर कैपिटा। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो भी वेस्ट आ रहे हैं, हमारा ट्राइसाइकल तो अलग अलग कलर्स में है। ट्राइसाइकल एक तो अलग अलग कलर्स में है, गिल्ला के लिए अलग है, सूखा के लिए, लेकिन उसमें जो भी डालते जा रहे हैं मिक्सर है, ये गिल्ला कूड़ा और सूखा कूड़ा को मिक्स करके ही डाल रहे हैं। नेक्स्ट और कहीं पर एक जगह पे जाकर डंप हो जाते हैं, जिसके वजह से जो वहां का जो जानवर है वो भी खा लेते हैं, और उसके नीचे जो ग्राउंड पोल्यूशन, उसके नीचे पानी का पोल्यूशन, उसके ऊपर हवा का पोल्यूशन, ओजोन लेयर का पोल्यूशन, ये ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन हम उसको ही नुकसान कर रहे हैं, जो जो हमने भवन के नाम पे रखा है उसको ही हमने नुकसान कर रहे हैं। उसमें ही हमने ज्यादा ये पोल्यूशन उनको ही ज्यादा इफेक्ट होता है। आए हुए हैं विभिन्न परिजनों के बारे में आपको अवगत कराएंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की कार्यशाला का महत्व और महत्व कितनी महत्ता है ये शायद हम लोगों को भी अंदाजा नहीं है। शंखनाद कर लें, रण क्षेत्र गोरखपुर है, 20 ब्लॉक हैं, ग्राम विकास पंचायत के महत्वपूर्ण संपत्तियों का सृजन और रोजगार सृजन का कार्य के लिए आज पुराने अनुभव से सीखते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक रूपरेखा तय करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक टीम बनकर एक मत स्थिर करना है। मैं जायजा ले रहा था कि पिछले 5 साल में 2000 करोड़ से ज्यादा धनराशि ग्राम वित्त आयोग और मनरेगा से धनराशि हस्तांतरित की गई, इसी तरह 73वें संशोधन के बाद 94 से धनराशि हस्तांतरित की करते जा रहे हैं। मनरेगा में भी 2009 से लगातार धनराशि हस्तांतरित हो रही है। इसी तरह शिक्षा में, स्वास्थ्य में भी, बाल पोषण में भी विभिन्न योजनाओं में ब्लॉक में और ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा रही है। इस सबके मूल सिद्धांत यह है कि हर प्रोग्राम में जो विश्व स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पहले उसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के रूप में दिए गए थे, वो सभी आंकड़ों में हम संतृप्तिकरण की ओर अग्रसर हों और आच्छादन 100% हो। एक विस्तृत कार्यशाला डीएम साहब के निर्देश और उनकी अध्यक्षता में आज प्रेक्षागृह गोरखपुर में की गई है। इसमें जो कार्यशाला है इसमें हमारे सारे सचिव पूरे गोरखपुर के और उसके अलावा जेई टीए एडीओ आईएसबी एडीओ पंचायत बीडीओस और हमारे द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, इसमें एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। तकरीबन 450 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया गया। इसमें जो भी हमारे ग्राम विकास की और ग्राम पंचायत पंचायती राज की जो योजनाएँ हैं उस पर विस्तार से ट्रेनिंग दी गई है और पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया था और शेड्यूल के मुताबिक मैं आपको सारा शेड्यूल्स भी बता देता हूँ। और सबसे पहले जो चर्चा हुई थी वो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जो गांव में हमने जाते हैं तो उसमें आज के समय में सबसे बड़ी जो चैलेंज है या हमारे लिए चुनौती है वो यही है कि किस तरह से कूड़े का प्रबंधन किया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट लिया गया वो मनरेगा लिया गया, मनरेगा को किस तरह से हमें कन्वर्ज करना है और उससे क्वालिटी के असेट्स क्रिएट करने हैं। इसके बाद स्कूलों को कैसे कायाकल्प करना है, स्कूल और आंगनवाड़ी, इसके भी एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से दिया गया था। इसके बाद जो हमें एक और स्पेसिफिक हमने रखा था कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, उसके एक्सपर्ट मौर्य जी आए थे बाराबंकी से, जिन्होंने 7 केंचुए शुरू किया था और 7 करोड़ केंचुए उन्होंने अभी तक बेचे हैं। तो उस तरह के जो सचिव को कैसे उनके जो दिमाग में ये चीज़ें आएँ और कैसे वो रोशन होएं और इस मिशन में लगें ताकि हम लोग दे सकें। अभी भी ये कार्यशाला चल रही है, अभी जो चल रहा है कि किस तरह से हम लोग ये पानी जो हमारा अभी जल भराव है इसको रोकें, जा जब बाढ़ आती है किस तरह से बंधे बनाए जाए उसके लिए माइक्रो इरीगेशन जो है वो दे रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा मनरेगा में कैसे कन्वर्जेंस करते हुए समूह के साथ कन्वर्जेंस करते हुए कैसे रोज़गार
जो सबसे हमारे जो वर्ग सबसे अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी लाइवलीहुड, उनके लिए कैसे रोजगार सृजन किया जाए इस पर चर्चा की। सर जो ट्रेनिंग ली है लोग तो कि ये भी जाके कहीं कार्यशाला भी करेंगे? हाँ, ये जो अभी ट्रेनिंग ली गई है ये सिर्फ शुरुआत है, इसको हर महीने किया जाएगा, इसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में किया जाएगा और इनको फील्ड में भी भेजा जाएगा, जैसे दूसरे स्टेट्स में हमारे जो सचिव हैं एक्सपोजर विजिट्स के लिए, जैसे कि आंध्रा में, उड़ीसा में या बिहार में समूह कैसे काम करते हैं, आंध्रा में मनरेगा का काम कैसे होता है, पंचायती राज केरल में कैसे काम करता है, तो उस एक्सपोजर विजिट्स के लिए अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में भेजा जाएगा।